जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे द्राक्षारिष्ट के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप हमारी ट्रिक को समझने में आसानी हो। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द्राक्षारिष्ट बुक में, तो यहाँ पे इसके श्लोक दिए हुए हैं। श्लोक दिए हुए होने के बाद यहाँ पे इसके घटक द्रव्य दिए हुए हैं। तो घटक द्रव्य में कितने हैं? घटक द्रव्य 11 घटक द्रव्य हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक हमने अलग बनाई हुई है, तो आइए सीधे ट्रिक पर चलते हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य, तो प्रक्षेप द्रव्य हम लेंगे द्राक्षारिष्ट का, तो वो क्या रहेंगे हमारे प्रक्षेप द्रव्य? तो उनको याद करने की ट्रिक है हमारी कि बेड पर मरा बड़ा नाग, छोटी दाल तेज है। तो ये एक बड़ा सा नाग है जो बेड पर मरा पड़ा है एकदम, और छोटी दाल तेज है। जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो तेज होती हैं थोड़ी सी। तो बेड से हो गया हमारा यहाँ पे बिडंग, और हमारा प्रियंगु से हो गया हमारा पर, और मरा से हो गया मरीच, और बड़ा से हम यहाँ पे लेंगे बड़ी पिपली। नाक से हम ले लेंगे यहाँ पे नाग केसर, और छोटी से हम लेंगे यहाँ पे छोटी इलायची। दाल से हम लेंगे यहाँ पे दालचीनी, तेज है से हम लेंगे तेज पत्र। तो ये सारा अमाउंट हम कितना ले लेंगे? 50 ग्राम। तो अपने याद करने की सहजता के लिए हम यहाँ पे जो है सारे अमाउंट हम 50 50 ग्राम ले लेंगे। तो अब आते हैं हम, दो कंटेंट ऐसे बच रहते हैं हमारे जिनके क्या कहता है 50 ग्राम नहीं है हमारा अमाउंट, इनका कंटेंट हमको अलग से याद करना पड़ेगा। तो वो ये हो गया धातुकी पुष्प हो गया हमारा एक, तो एक हो गया हमारा गुड़। तो धातुकी पुष्प ले लेंगे कितना? 250 ग्राम, और गुड़ हम ले लेंगे 10 किलोग्राम। तो धातुकी पुष्प किस लिए लेते हैं? तो धातुकी पुष्प का जो यूज़ होता है तो वो संधान के लिए होता है। तो द्राक्षारिष्ट को हम अरिष्ट बनाएंगे, तो उसको संधान के लिए हमको धातुकी पुष्प लेना पड़ेंगे। तो अब आते हैं इनके क्वाथ द्रव पे। तो क्वाथ द्रव में हमारे ये हो गया द्राक्षा, यानी कि हमारा मुनक्का जो हो गया, तो वो हमारा हो गया 2.5 किलोग्राम। जल जो है हम लेंगे कितना? 26 लीटर। तो 26 लीटर जल हो गया हमारा। अब आ गया हमारा जो जल जो बचेगा हमारा, तो वो हमारा कितना बचेगा अपशिष्ट? 6.5 लीटर। ठीक है, तो अब आते हैं इसके अनुपान पे। अनुपान जो हम लेंगे इसका द्राक्षारिष्ट को, तो वो हम लेंगे जल के साथ में, समान मात्रा में भोजन के बाद इसको हम ले लेंगे जल के साथ में। तो उपयोग में हम इसको श्वास की बीमारियां पहले हम याद कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो पाचन की बीमारियां हैं, जो हमारे पेट से रिलेटेड हैं, उनको याद करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारा? श्वास हो गया, कास हो गया, ये हमारे मतलब ये बीमारियाँ हैं श्वास वाली। और उसके बाद दीपन पाचन, ये हमारी पेट की बीमारियाँ हो गई। तो दीपन पाचन सही कर देगा अगर हमारा ये, तो हमारा जो दीपन पाचन सही होगा तो हमारा डाइजेशन सही हो जाएगा। तो हमारा डाइजेशन सही होगा तो ये हमको खाने से बल मिलेगा, तो ये बल कारक भी होता है। दीपन पाचन सही हो जाएगा तो ये हमारी आमाशय की सारी बीमारियां हैं या खाने पीने से रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो क्या कहता है, हमारे मलल में भी शोधन कर देगा ये, तो ये हमारा मल शोधक का भी काम करेगा ये। उसके अलावा हम याद कर लेंगे उरा छत है, छह है, इनको अलग से याद कर लेंगे। और क्या कहता है, ये हमारा कंठ रोग नाशक है, जो कंठ के रोग होते हैं जैसे स्वर भेद वगैरह हैं, तो इसमें क्या कहता है ये फायदा करेगा, इसको हम ले सकते हैं द्राक्षारिष्ट को। तो दोस्तों ये हमारा हो गया द्राक्षारिष्ट। तो इसको क्या कहता है, अगर आप और इसको अच्छे से क्या कहता है नंबर चाहते हैं, तो इसके आप जो है श्लोक भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, और इसमें हम आपके लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी हमको बताएं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करें, और हमारे आने वाले नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।